हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल ग्रामीण ज्ञान। जो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले एसएससी जीडी का आंसर की किस प्रकार डाउनलोड करें। देखिए, स्किप ना करें, स्टेप बाय स्टेप आपको इस यूट्यूब के माध्यम से बताएंगे। तो सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउजर ओपन करना होगा, उसमें ऊपर टाइप करना होगा सरकारी रिजल्ट। सरकारी रिजल्ट टाइप करने के बाद फ्रेंड्स, उसके बाद उसको सर्च करना होगा। सर्च करने के बाद देखिए, आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है एसएससी जीडी आंसर की, इसको क्लिक करना होगा। इसको जैसे स्क्रॉल कीजिए, उसको नीचे स्क्रॉल, उसको देखिए लिखा हुआ डाउनलोड आंसर की, इसको आपको क्लिक हियर पर क्लिक करना होगा। इसको जैसे क्लिक कीजिएगा फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आएगा। उसके बाद देखिए आपका एडमिट कार्ड में जो दिया हुआ था आपको, आपका पासवर्ड और आईडी, यानी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड। तो चलिए एडमिट कार्ड पर जाते हैं। एडमिट कार्ड में आपको दिखा देते हैं कि एडमिट कार्ड में कहाँ यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया रहता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको दिया है रोल नंबर, यानी वही आपका यूज़र आईडी हो गया। जो यहाँ पर रोल नंबर दिया हुआ है और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ, वही पासवर्ड हो गया। तो इसी को आपको वहाँ पर फिलअप करना होगा। तो देखिए, कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, फिर आपको पासवर्ड की पेस्ट कर देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, दोनों को कॉपी और पेस्ट यहाँ पर करके, उसके बाद नीचे दिया हुआ है कैप्चा, कैप्चा को आपको फिलअप करना होगा। तो जैसे ही कैप्चा को फिलअप कीजिएगा, उसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना होगा। तो चलिए, मैं आईडी पासवर्ड डाल के, उसके बाद कैप्चा डाल के लॉगिन पर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा फ्रेंड्स, इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन, इसको आपको क्लोज करना होगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ क्लोज, क्लोज करना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा सेकंड वाला। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ है आंसर की डाउनलोड, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। इसको आपको क्लिक करना होगा। इसको जैसे ही क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपको देखिए इस प्रकार का डाउनलोड हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि आपका जितना वहाँ पर आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, जितना क्वेश्चन टाइप किया था, यहाँ पर सारा उसका क्वेश्चन प्लस आंसर भी यहाँ पर दिया हुआ। आप इसी प्रकार मिला कर देख सकते हैं, आपको इसी पर मिलाना होगा। आपका ही आईडी से आपका ही क्वेश्चन आंसर यहाँ पर मिलेगा। उसी प्रकार आपको सारा मिलान करना है, और कितना आपको आंसर सही मिला और कितना गलत हुआ, इसी से आपको जानकारी मिल जाएगा। उसके बाद कुछ दिन के बाद इसका रिजल्ट आने वाला है, उस पर भी आप देख सकते हैं। फिलहाल इसमें आपको भी पता चल जाएगा कि आपका कितना नंबर से आपको उठाया नहीं उठाया, तो आप इसी से चेक करके पता कर सकते हैं। और इसी प्रकार आप डाउनलोड करके रख भी सकते हैं, या तो इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। यदि प्रिंट नहीं कीजिएगा तो मोबाइल से भी आप इसको मिला सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रहे हैं, नीचे में जो दिया हुआ सारा आंसर की और क्वेश्चन दोनों यहाँ पर दिया हुआ है। इसी प्रकार आप भी इसको डाउनलोड कीजिए और अपने से मिलान कीजिए। यदि आपको कोई प्रॉब्लम और कोई कठिनाई है तो कमेंट करके बताएंगे, मैं आपको हेल्प जरूर करूँगा। फिर मिलते कोई वीडियो टॉपिक, तब तक ले जाइए। जय हिंद, जय झारखंड। टाइम इन वॉच।